आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे पितृदोष कैसे बनता है और क्या होता है। आइए हम शुरू करते हैं। नमस्कार। श्रावण के बाद भाद्रपद के माह में पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहा जाता है। इन दिनों में हमारे पितृ मतलब होता है कि जो हमारे परिवार के सदस्य हैं और जो इस देह को छोड़ के, इस शरीर को छोड़ के जिनका स्वर्गवास हो गया है, देहांत हो गया है, उनका पूजन किया जाता है। इसे हम पितृपक्ष कहते हैं। इन 15 दिनों में इनका पूजन करने का महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण शास्त्र के अनुसार इन 15 दिनों में हमारे पितृ हमारे इस पूजन को स्वीकार करने के लिए आते हैं। तो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर अगर आपके दूसरे भाव, आठवें भाव और दसवें भाव में सूर्य के साथ अगर केतु है तो वो पितृदोष आपको बनता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? अगर आपके पास पत्रिका नहीं है, आप बोलेंगे कि पंडित जी हमारे पास पत्रिका नहीं है, तो इसके लिए अगर आपके बालों का बार बार झड़ना, ज़्यादा झड़ना हो रहा है, बाल आप गिर रहे हैं, आपकी हड्डियां बार बार टूट रही है या कमज़ोर हो रही है, आपकी आँखों की रोशनी अगर कम होती जा रही है, आपको बार बार अनिष्टता होती है, आपके घर परिवार में किसी प्रकार का अनिष्ट हो रहा है, पेड़ सूख रहे हैं, पौधे सूख रहे हैं, या आपको बार बार सपनों में पितर आ रहे हैं, तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो पितृदोष के माने गए हैं। तो अगर आपको इस तरीके से अगर कोई लक्षण है या आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है तो उसका आपको जल्द से जल्द दोष निवारण करना चाहिए। इसका निवारण मुख्यतः गया जी, प्रयागराज, इलाहाबाद और नासिक में बताया गया है। इसके बाद भी आप अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आपके समीप नज़दीक में जो भी नदी, सरोवर, तालाब हो वहाँ पर किसी विद्वान ब्राह्मण को ले जाकर अपने पितृदोष का निवारण करें। पितृपक्ष में आप कोई भी मांगलिक कार्य शुरू नहीं करें। किसी भी प्रकार का कोई अगर कोई नया मांगलिक कार्य आप कर रहे हैं तो उसे करने से बचें, आप उसे शुरू नहीं करें। साथ ही आपको मांस, मटन, शराब इत्यादि व्यसनों को नहीं करना चाहिए। आपको साथ ही बालों को नहीं काटना चाहिए, नाखूनों को नहीं काटना चाहिए, किसी भी प्रकार के कपड़ों को नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्रकार से अगर कोई कट हो रहा है, कैंची चल रही है तो उससे आप परहेज करें, उससे उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोड़।